हेलो बच्चों आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड फिफ्थ का लेसन नंबर थर्टीन द एडवेंचर्स ऑफ गुलीवर इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे क्वेश्चन वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट फर्स्ट हाउ वाज गुलीवर टाइड ऑन द शोर आंसर गुलिवर्स आर्म्स फीट एंड हेयर वेर हेल्ड डाउन टू द ग्राउंड विथ स्ट्रिंग्स

तो वो लोग उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे थर्ड हाउ वॉज़ गुलीवर टेकन टू द सिटी आंसर गुलीवर वॉज टेकन टू द सिटी इन अ ग्रेट कार्ट विच वॉज मेड बाई जॉइनिंग मैनी कार्ट्स नाइन हंड्रेड मैन वर्क फॉर थ्री आवर्स टू पुट हिम ऑन टू द कार्ट विच वॉज ड्रॉन बाई फिफ्टीन हंड्रेड ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस नौ सौ आदमी लगे और पंद्रह सौ घोड़े लगे उसको सिटी लेके जाने के लिए नंबर फोर डिस्क्राइब गुलिवर्स होम इन लिलीपोर्ट आंसर गुलिवर्स होम इन लिलीपोर्ट वाज वॉज एन ओल्ड चर्च इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री इट हैड नॉट बीन यूज एज अ चर्च फॉर मैनी इयर्स। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज फोर फीट हाई एंड टू फीट वाइड तो गुलीवर का घर क्या था एक पुरानी चर्च थी उसका दरवाज़ा चार फीट ऊंचा था और दो फीट चौड़ा था फिफ्थ डिस्क्राइब गुलीवर वॉक अराउंड द सिटी आंसर गुलीवर वॉकड वेरी केयरफुली अलॉन्ग द टू लार्जेस्ट स्ट्रीट्स ऑल द विंडोज वेअर फुल ऑफ फेसेस लुकिंग एट हिम एंड लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वेअर स्टैंडिंग ऑन द टॉप्स ऑफ द हाउसेज गुलीवर ऑल्सो सॉ द किंग्स पैलेस इन विच द क्वीन एंड सम यंग प्रिंसेस वेअर ग्रेटली प्लेस्ड बाई हिज विजिट यानी वो रास्ते पर से चल के गया तो सब बिल्डिंग में से लोग उसको देख रहे थे और राजा का महल भी उसने देखा जहाँ रानी और दूसरे लोग बहुत खुश हुए उससे मिलकर क्वेश्चन नंबर थ्री लैंग्वेज स्टडी तो इसमें ग्रामर होगा रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स दे आर एड अब ये सेंटेंसेस दिए हैं और इसमें जो एडवर्ब्स है इसको हाईलाइट किया गया है तो ऐड क्या होते हैं जो वर्ब के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको एडवर्ब्स कहते हैं जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल्स रीड करते हैं तो समझ में आ जाएगा पहला क्या है आई वॉज पुलिंग हार्ड तो इसमें वर्ब क्या है पुलिंग खींच रहा था कैसे खींच रहा था तो हार्ड तो पुलिंग जो वर्ब है उसके बारे में डिटेल बता रहा है कि वो एक्शन कैसे हुई तो उसको कहते हैं एडवर्ब सेकेंड में दे रैन अवे तो वर्ब क्या है रैन भागे कैसे भागे दूर भागे तो अवे क्या है एडवर्ब थर्ड क्या है लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वर्ब क्या है टेकन ले गए उसको कब ले गए लेटर तो लेटर क्या है एडवर्ब आई वेंट वेरी केयरफुली तो इसमें वर्ब क्या है वेंट वो गया तो कैसे गया केयरफुली तो केयरफुली क्या है एडवर्ब दे वर ग्रेटली प्लीस्ड तो इसमें वर्ब क्या है प्लीस्ट वो बहुत खुश हुए तो कैसे खुश हुए ग्रेटली बहुत ज़्यादा तो वर्ब के बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं उन वर्ड्स को एडवर्ब्स कहते हैं सेकेंड फाइंड सूटेबल एडवर्ब्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स एटलीस्ट थ्री ईज अब यहाँ कुछ वर्ब दिए हैं और उसके लिए कम से कम तीन एडवर्ब हमको जोड़ के लिखना है तो पहला है वॉक तो वॉक में क्या लिख सकते हैं वॉक फास्ट वॉक स्लोली वॉक क्विकली सेकेंड स्पीक स्पीक क्लियरली Speak slowly, speak loudly. Third, push. Push hard, push slowly, push gently. Fourth, study. Study nicely, study timely, study regularly. Fifth, sing. Sing softly, sing loudly, sing melodiously. Sixth, work. Work daily, work honestly, work tirelessly. तो इसमें और भी बहुत कुछ एडवर्ब्स आप सोच के अपने पसंद से लगा सकते हैं थर्ड फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग एडवर्ब्स अब ये एडवर्ब्स दिए हैं इनका अपोजिट हमको लिखना है तो फर्स्ट हार्ड हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट सेकेंड क्विकली स्लोली थर्ड फास्ट स्लो फोर्थ टाइडली अनटाइडली फिफ्थ अन नोइंगली नोइंगली सिक्स अर्ली लेट सेवेंथ ऑफन रेयरली एट्थ नेवर ऑलवेज नाइंथ honestly dishonestly टेंथ शेमफुली शेमलेसली तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए बच्चों इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय